नमस्कार साथियों, हंस रोहिणी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान की कला व संस्कृति में हमारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की कला व संस्कृति में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में हमने पांच पीरों को हम पढ़ रहे थे पांच पीरों को। तो सबसे पहले हमने ये बात की थी, यानी हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने बाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा गोगाजी चौहान के बारे में। तो पंच पीरों में भी दो पीर और बाकी है, तो हम उनको पढ़ते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। समय थोड़ा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मित्रों एक बार करेंगे, बार बार हमें नहीं करना पड़ेगा। आप है ना, जिंदगी में किसी भी प्रकार का एग्जाम देना, उसमें आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के लोक देवता में हम पढ़ रहे हैं किसको? हमने पांच पीरों की बात की है, तो हमने उसमें तीन तो पढ़ लिया है। तो आज का अपने जो पीर है वो है मेहाजी, और मेहाजी को कहा जाता है मांगलिया, तो मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मित्रों एक चीज आप लोग ध्यान देना कि मेहाजी जो मांगलिया है, इन्हें गोपालक देवता भी कहा जाता था, गोरक्षक देवता। क्या कहा जाता था? गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। और इनका जो जीवन है, इन्हें धर्मपालक देवता भी कहा जाता था। और इनका जो जीवन था बिल्कुल सरल और सादा जीवन था, यानी सरल जीवन ये जीते थे और धर्म का पालन करते थे। ठीक है, गौरक्षक कैसे हुए मैं बात करूंगा, इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया है। अधिकतर जो लोक देवता है गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेहाजी मांगलिया। अब अगर अपन बात करें इनसे संबंधित, तो सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है वो कब हुआ? तो ये ध्यान रखना, इनका जो जन्म होता है जन्माष्टमी को। कब होता है? जन्माष्टमी को। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और जन्माष्टमी का मतलब हो गया कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। और ये जन्म होता कहाँ है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किस गांव में होता है? बापणी गांव में। बापणी गांव। और ये बापणी गांव कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर। ठीक है, तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। मांगलिया मेहाजी गोरक्षक देवता हमने पढ़ा, जन्म के बारे में बात की, कृष्ण जन्माष्टमी, बापणी गांव, फलोदी जोधपुर। अब एक चीज ध्यान देना, राजस्थान के इतिहास के पिता है जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, जेम्स टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका जो जन्म है सांगला जाति है ना, सांगला जाति में हुआ था। ये ध्यान रखना भाई, सांगला जाति में हुआ। तो इन्होंने ये भी तर्क दिया कि इन्हें मांगलिया क्यों कहा जाता है, इनका जो जन्म है वो तो सांगला जाति में हुआ, लेकिन इनका पालन पोषण किसके अनुसार? कर्नल टोड के अनुसार। मैं आपको बता रहा हूं है ना, ये कर्नल टोड कहते हैं कि इनका जो पालन पोषण है वो किनके घर होता है? मांगलियों के घर। और ये जो मांगलिया है ना, इनका मांगलियों के घर इनका क्या होता है? पालन पोषण होता है। और यही इनका क्या होता है? ननियाल होता है, इसलिए वहां पालन पोषण होता है। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना। हालांकि
आपको सीधा प्रश्न आता है मांगलिया मेहा जी, सीधा प्रश्न आ जाता है मेहा जी कौन थे, मांगलिया। लेकिन कर्नल टॉड ये अलग ही राय देता है, कहता है कि इनका जो जन्म है सांगला जाति में हुआ है, सांगला जाति में हुआ है मतलब समझ गए उनके परिवार में, और पालन पोषण है मांगलिया के घर होता है, ये इनका क्या है ननियाल है। ठीक है, तो ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब अपन इससे भी आगे बढ़ते हैं, यानी इनसे संबंधित और क्या कहानियां हो सकती है उनको याद करना। अगर अपन बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ में इनके जो समकालीन है, मारवाड़ के ये किसके समकालीन थे, चुंडा के समकालीन थे भाई, ये ध्यान रखना। मारवाड़ के किसके, चुंडा के समकालीन थे। ठीक है, और अच्छी बात एक ये बात थी है ना, ये तो मैंने बता दिया। अब देखो अंतिम जो बात इनकी सबसे महत्वपूर्ण है, जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि इनका जो इनकी मृत्यु कैसे हुई, ये वीरगति को कैसे प्राप्त हुए, तो वो भी ध्यान रखना है। एक जैसलमेर, आप सब लोग जानते हो जैसलमेर रियासत को, जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासक है, और इनका नाम है रानंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त। वीरगति, अब एक चीज ध्यान रखना, ये वीरगति प्राप्त हुई है और युद्ध करते हुए किसके साथ, जैसलमेर के भाटी, और जिनका नाम क्या है, भाटी शासक है, जिनका नाम क्या है, रानंगदेव के साथ। ठीक है, और युद्ध का विषय क्या था है ना, गायों को छुड़ाते हुए, ये भी ध्यान रखना, गायों को छुड़ाते हुए। तो इसका मतलब आप क्या समझे हो, यानी ये भी गायों की रक्षा करते हुए क्या हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गौरक्षक देवता, और ये अपने धर्म पर अडिग रहते हैं इसलिए धर्मपालक देवता इन्हें कहते हैं। और इनका जो जीवन था बिल्कुल ही क्या था, सरल था, सादा था। अब मांगलिया मेहा जी की कुछ बात हमें और भी करनी चाहिए। अगर बात करते हैं इनका जो प्रमुख मंदिर है, उससे पहले हमें एक बात और करनी जरूरी है कि इनके घोड़े का नाम क्या है ना। अब ये बात आती है कि इनके घोड़े का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है घोड़ा है किरड़ काबरा। घोड़े का नाम क्या है, किरड़ काबरा। और दूसरी बात, यानी इसके जो पुजारी है वो कौन है, पुजारी, तो पुजारी हो गए कौन, मांगलिया जाति के है ना, मांगलिया जाति के लोग इनके क्या होते हैं, पुजारी, मांगलिया जाति के राजपूत इनके क्या होते हैं, पुजारी होते हैं, मुख्य पुजारी। ठीक है, मांगलिया जाति के। और अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी है ना, घोड़ा किरड़ काबरा की बात की और इनके प्रमुख मंदिर यानी इनकी पीठ, तो वो जो इनका मंदिर है वो वहीं पर है, इनका जन्म है बापिनी गांव में, तो वहीं पर है बापिनी या बापणी, ध्यान रखना भाई, बापिनी या बापणी है कि या बाप अलग है, ठीक है, तो जोधपुर में ही, तो बापिनी या बापणी, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, बापणी और बापणी कहाँ पर है, फड़ौदी और फड़ौदी कहाँ पर है, आप ये तो सब जानते ही होंगे, जोधपुर, यहाँ इनका क्या है प्रधान पीठ है, और यहाँ पर मेला कब भरता है, मेला, तो मेला से तो आप समझ गए होंगे कृष्ण जन्माष्टमी। मुस्लिम धर्म में एक ऐसे पीर भी है जिनका मेला भी कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है, साथियों याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, मुस्लिम धर्म में भी ऐसे पीर, आप लोग बात करोगे पीर शक्कर बाबा की है ना, बागड़ के धनी, अगर उस उधर बात करेंगे तो उसमें भी महत्वपूर्ण है। तो ये थे अपने कौन, मांगलिया मेहा जी। ठीक है, जबरदस्त तरीके से हमने एक एक चीज को साथ में लेकर पढ़ा है,
एक बार आप लोगों को इसे क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी को, है ना, गोरक्षक देवता, धर्मपालक देवता, सरल जीवन यानी बिल्कुल सादा जीवन ये क्या करते थे, व्यतीत करते थे। और साथ में हमने बात की इनकी जाति से संबंधित, ये मैंने सारी बात आप लोगों को बताई है, ठीक है। अब मैंने साथ साथ में आप लोगों को ये भी बताया है कि कर्नल टॉड ये कहता है कि सांगला जाति में इनका जन्म हुआ, है ना, और ये कहता है कि मांगलिया के घर पर इनका क्या हुआ, पालन पोषण। लेकिन हमें याद रखना है मेहाजी मांगलिया, ठीक है, ये पक्का याद रखना है। जन्माष्टमी को इनका जन्म होता है और इसी दिन इनका क्या लगता है, मेला भी लगता है। कहाँ पर, इसी गांव में, बापिणी गांव में, ठीक है। बीच की कहानी ये थी कि मारवाड़ के चूड़ा, है ना, चुंडा के समकालीन थे और जैसलमेर के भाटी शासक राणदेव के साथ क्या करते हुए, है ना, युद्ध करते हुए, गायों को छुड़ाते हुए इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी, वीरगति को प्राप्त हो गए। और घोड़ा इनका क्या नाम था, किरण काबरा। प्रश्न आता है मियाजी के घोड़े का नाम क्या है, किरण काबरा है। पुजारी कौन है, मांगलिया जाति के राजपूत है। प्रमुख मंदिर बापिनी फलौदी जोधपुर में मेला कब, कृष्ण जन्माष्टमी को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मांगलिया जाति के लोग होते हैं इनके, है ना, इन्हें कहते हैं भोपा। देखो मैंने आपको बताया है पुजारी जो इन लोग, इन देवताओं के होते हैं उनको भोपे कहा जाता है। तो भोपा या मैं कह सकता हूँ इनके पुजारी है ये, राजपूत जाति के जो पुजारी होते हैं, इनका इनके वंश वृद्धि नहीं होती, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ मांगलिया जाति के लोग होते हैं इनके वंश की वृद्धि नहीं होती, आगे नहीं चलता इनका वंश। तो फिर क्या होता है, फिर तो ये समाप्त हो जाना चाहिए था अब तक। तो इनके पास क्या तरीका है भाई, अभी तक यही पूजा कर रहे हैं, तो तात्पर्य अब इनका अगला तरीका ये है कि क्या लेते हैं, गोद लेकर के अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, गोद लेकर के, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब अपन क्या करते हैं मित्रों, ये हमारे हो गए हैं मेहाजी मांगलिया, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। और अब अपन क्या करें, आगे बढ़ते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण लोक देवता की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है कि जैसलमेर के भाटी राणदेव के साथ इनका युद्ध हुआ, उसमें ये वीरगति को प्राप्त हुए, इनके घोड़े का नाम, ये प्रश्न बार बार आता है। और इनके जो प्रधान मंदिर है, ये पीठ है, इसके बारे में भी ये क्या आता है, प्रश्न आता है, बापिणी जोधपुर फलौदी वाली बात है। और जन्माष्टमी वाली भी ध्यान रखना, मैंने साथ साथ में एक जन्माष्टमी का मुसलमानों के पीर है, है ना, आपको मैंने बताया है नरहर के पीर, शक्कर बाबा पीर, उनका क्या लगता है, मेला, कृष्ण जन्माष्टमी को ही भरता है। अब अपने एक और अंतिम अपने पीर जिनका नाम, देखो हमने मेहाजी को कर लिया है तो अब अपने पास क्या बचा है, हड़बू जी। मेहाजी के बाद हम किसको पढ़ने वाले हैं, हड़बू जी को। और हड़बू जी क्या थे भाई, सांखला। हड़बू जी क्या थे, सांखला थे। और अब अगर अपन इनकी बात करेंगे, सांखला जाति के ये क्या थे, आराध्य देवता थे हड़बू जी सांखला। अब देखो मित्रों, सबसे पहले हम हड़बू जी के बाद अगर इनका एक नाम भी इनको दिया जाता है, चमत्कारी पुरुष इन्हें कहा जाता है, चमत्कारी पुरुष। और एक नाम और उल्लेख मिलता है, सगुन शास्त्र के ज्ञाता, सगुन शास्त्र के ज्ञाता। सगुन शास्त्र के इन्हें ज्ञाता भी कहा जाता है। और गोपालक देवता, गोपालक देवता मतलब गायों का पालन पोषण करने वाले देवता। ठीक है, ये बात हुई अच्छी सी। अब अपन बात करते हैं कि इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ। जन्म की बात करेंगे साथियों हड़बू जी की, तो बुढ़ोल, बुढ़ोल या बुढ़ोल गांव है ये। और बुढ़ोल गांव कहां पर है, नागौर में। बुढ़ोल गांव कहां पर है भाई, नागौर अपना डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, नागौर में इनका जो जन्म हुआ। अगर बात करोगे इनके पिता की, पिता का नाम है मेहाजी,
पिता का नाम क्या है? मेहा जी। ठीक है, ध्यान देना, हड़बूजी सांगला चमत्कारी पुरुष सगुन शास्त्र के ज्ञाता गोपालक देवता। ठीक है, जन्म इनका कब? बुढ़ौल गांव में नागौर। पिता का नाम हमने क्या बात की? मेहा जी। अब इनसे संबंधित और क्या फैक्ट हो सकते हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है। सबसे पहले अगर अपन बात करें इनके बारे में, तो इसके जो समकालीन है ना, मारवाड़ से इसके जो समकालीन है वो कौन है? राव जोधा। राव जोधा मारवाड़ से इनके क्या है? समकालीन है। और ये ध्यान रख लेना है ना, राव जोधा का काल तो आप सब लोग जानते ही होंगे है ना, आप लोगों ने लगातार इसको पढ़ रखा है। अगर अपन बात करेंगे 1438 से लेकर के कब की भाई, 1459 तक की, सॉरी 1438 से लेकर के हम 83 तक चले जाते हैं। अगर इनके पूरे काल की बात करें, मारवाड़ के समकालीन है राव जोधा। ठीक है, और ये बात हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हम हड़बूजी सांगला को पढ़ रहे हैं, और हड़बूजी सांगला जो कि क्या थे? चमत्कारी पुरुष थे, सगुन शास्त्र के ये क्या थे? ज्ञाता थे। ठीक है, और इन्हीं से संबंधित अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनमें से एक पूरी की पूरी कहानी इसके साथ जोड़ करके अपन देखना चाह रहे हैं। अगर अपन इसे और आगे बात करें कि मारवाड़ के ये है ना नरेश थे, मारवाड़ के राव जोधा है ना, जोधा ने जोधपुर की स्थापना की, और इसी के ये क्या थे? समकालीन थे। और जोधा का काल है 1438, और इसमें थोड़ा सा ये संशोधन करना भाई, 89 तक है ना। हाँ ठीक है, हमने पढ़ भी रखा है। तो मारवाड़ समकालीन राव जोधा 1438 से 1489। अब देखो यहाँ इन्हीं इसके समकालीन कुछ चीजें जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब यूं ही मैंने राव जोधा नहीं लिख दिया है, बात यह थी कि इधर तो कौन थे? हमारे हड़बूजी। ठीक है, इधर तो हमारे लोक देवता कौन है? हड़बूजी है, और इधर राव जोधा। इनके द्वारा कुछ आदान प्रदान होता है, मैं उसको आपको बता देता हूँ सरल भाषा में ताकि आपको याद हो जाए। जोधा का काल आपने देख लिया 1438 से 1489, 59 में आप सब लोग जानते हो स्थापना हुई किसकी? जोधपुर की। तो इधर आप देखो हड़बूजी की अपन बात करेंगे, तो हड़बूजी में आपको एक चीज याद रखनी है कि हड़बूजी ने क्या किया? राव जोधा को भेंट किया। क्या भेंट किया? एक तो हड़बूजी ने राव जोधा को दिया आशीर्वाद। ठीक है, और आशीर्वाद के साथ साथ क्या भेंट की? कटार। क्या भेंट की? कटार। ठीक है, राव जोधा को हड़बूजी ने दो चीज दी, एक तो क्या? आशीर्वाद, एक क्या दी? कटार। किसको दी? राव जोधा को। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग। अब इस आशीर्वाद व कटार से राव जोधा ने क्या किया? मंडोर विजय, यानी मंडोर पर क्या कर लिया? अधिकार। मंडोर पर अधिकार, ठीक है, क्या कर लिया? मंडोर पर अधिकार कर लिया। किसने? राव जोधा ने। प्रश्न आता है राव जोधा ने किसके आशीर्वाद से मंडोर पर अधिकार कर लिया? राव जोधा ने किसके आशीर्वाद से? मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी थी? नींव रखी थी, करणी माता के आशीर्वाद से थी। और इधर राव जोधा मंडोर पर अधिकार किसके आशीर्वाद से कर रहा है? हड़बूजी के, है ना, हड़बूजी सांकला जो कि एक लोक देवता है, चमत्कारी पुरुष है, सगुन शास्त्र के ये क्या थे? ज्ञाता थे। ठीक है, अब देखो हड़बूजी ने तो इसे दी, अब मतलब हड़बूजी ने तो इन्हें आशीर्वाद और कटार दी, लेकिन राव जोधा भी कुछ किसको देगा? हड़बूजी को देगा। क्या देगा? ये इनको है ना भेंट स्वरूप क्या देगा? कुछ तो देगा भाई, और वो क्या? एक तो देता है ये जागीर। एक क्या देता है? जागीर। और ये जागीर कौन सी होती है? बैंगटी की। किसकी भाई? बैंगटी। और ये बैंगटी कहाँ पर है? फलोदी। और फलोदी तो तुम सब लोग जानते हो, ये कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर में। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक तो जागीर है ना, एक ही चीज दी अभी तक तो मैंने, जागीर बताई जिसका नाम क्या है? बैंगटी, है ना। ये जागीर दी किसको? हड़बूजी को। साथ साथ में एक दूसरी जो चीज थी वो क्या थी? बैलगाड़ी। क्या थी? बैलगाड़ी। ठीक है, क्या थी भाई?
बैलगाड़ी, और ये जो बैलगाड़ी है ये भी साथ साथ में दी, यानी ये जो दोनों चीजें किसको दी, यानी हड़बोजी को किसके द्वारा दी गई, राव जोधा के द्वारा दी गई। तो अब क्या होता है कि दो बात की हमने, हड़बोजी ने आशीर्वाद और कटार दिया राव जोधा को, राव जोधा ने मंडोर विजय कर ली। भेंट स्वरूप राव जोधा ने किसको, यानी कि हड़बोजी को एक तो बैलगाड़ी दे दी और एक क्या दे दिया है ना, मैंने आप लोगों को बताया जागीर किसकी, बैंगटी की। किसकी जागीर थी, बैंगटी की, ठीक है। और यही जो बैलगाड़ी है, ध्यान देना, मैं एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, ये जो बैलगाड़ी है ना, बैल तो हमें पता है मर जाता है बाद में, लेकिन अब भी ये जो गाड़ी है ना, हड़बूजी का जो मंदिर है उस मंदिर में इस गाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है भाई। हड़बूजी के मंदिर में इस गाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है। और इस गाड़ी से हड़बूजी क्या करते थे, बहुत अच्छी बात है, इसी बैलगाड़ी से हड़बूजी क्या करते थे, यानी कि विकलांग पशुओं को या निराश्रित पशुओं है ना, विकलांग या निराश्रित जो पशु है ना, उनको क्या खिलाते थे, चारा, पशुओं को चारा, विशेषकर गायों को, ठीक है, यह चारा लाकर खिलाते थे। इसलिए देखो जो चारा खिलाएगा वो पालने वाला होगा है ना, इसलिए इन्हें भी क्या कहते थे, गोपालक देवता, क्या कहा जाता था, गोपालक देवता। तो हड़बूजी का संबंध इधर है ना, राव जोधा से पूरी तरह से समकालीन है, तो आपको याद रखना, और जोधा का काल मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। अब एक अच्छी सी बात आपको ये भी याद करनी है, अब आपसे कोई पूछ लेगा कि हड़बूजी का जो वाहन है वो कौन सा है, तो वाहन की भी बात आपको याद करनी होगी। तो वाहन है हड़बू जी का सियार, हड़बू जी का वाहन कौन सा है, सियार है भाई। हड़बू जी का वाहन की बात की जाएगी तो क्या होगा, सियार। अब अगर इनके अपन है ना प्रमुख पीठ की बात करें, तो अभी हम यहाँ कर भी चुके हैं, यानी इनकी इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख पीठ है ना, अपन प्रधान पीठ भी कह सकते हैं, प्रमुख मंदिर, तो वो कहाँ पर है, बैंगटी। और बैंगटी कहाँ पर है, फड़ौती। बैंगटी कहाँ पर है, फड़ौती में, और यहाँ इनका क्या भरता है, मेला भरता है बैंगटी गांव फड़ौती में। तो ध्यान देना, हमने यानी लोक देवता हड़बूजी के बारे में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां ली है। एक जहां से भी प्रश्न बनने की कोई संभावना रहती है, हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, हड़बूजी सांगला के बारे में, और सबसे पहले यह जानकारी हमने ली कि इन्हें चमत्कारिक पुरुष कहा जाता है, सगुण शास्त्र का इन्हें क्या कहते हैं, ज्ञाता कहा जाता है। और हमने ये भी बात कर ली थी कि इनका जो जन्म है बुढ़ोल कहाँ हुआ, नागौर में हुआ, पिता का नाम क्या है, मेहाजी है। और ये अच्छी बात हमने की कि इनके जो मारवाड़ में समकालीन है वो कौन है, जोधपुर में, आप जान गए होंगे, राव जोधा। और जोधा के साथ है ना इन्होंने जो आदान प्रदान किया, तो वो भी आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने इधर भी आप लोगों को बता रखा है कि इन्होंने है ना, अड़बूजी ने तो दो चीजें दी, आशीर्वाद व कटार, और उधर उनके द्वारा क्या दी गई, दो चीजें भी उधर से, एक तो जागीर है ना किसकी, बैंगटी गांव की, और एक ये बैलगाड़ी, ठीक है, इसको इनको दी गई। और इन्हीं गाड़ी की इनके है ना जो मुख्य मंदिर है उनमें बैंगटी में, वहां गाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है। और एक चीज ध्यान रखना, इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, पुजारी सांकला जाति के राजपूत, ठीक है, इनके जो पुजारी है वो कौन से हैं, सांखला जाति के राजपूत है, ठीक, पुजारी सांखला राजपूत। एक चीज मैं और बता देता हूं अच्छी सी, वो ये है कि ये रामदेव जी के, ध्यान देना, पापू जी के नहीं, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे भाई, ये किसके, रामदेव जी के मौसेरे भाई, बाबूजी के मौसेरे भाई, आपने उधर पढ़ लिया है हड़बूजी के रूप में है ना, किसके रूप में पढ़ रखा है, हड़बूजी के रूप में। तो अब ये भी है, उधर भी हमने बात की थी और इधर भी है, दोनों तरफ हो गया ना, तो रामदेव जी के मौसेरे भाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, हड़बूजी सांगला, चमत्कारी पुरुष, सगुन शास्त्र के ज्ञाता, गोपालक देवता, जन्म भुडोल नागौर, और पिता मेहाजी, वाहन इनका क्या हो गया, सियार, मारवाड़, समकालीन राव जोधा, 1438 से 1489 ईस्वी। और हमने ये बात की हड़बूजी वाली सारी कहानी, राव जोधा से संबंधित सारी कहानी हमने बात की, मंडोर विजय इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था, और जोधपुर है ना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है मैंने आपको बताया करणी माता के आशीर्वाद से, ठीक है।
और ये सारी बातें हमने कर ली है। प्रमुख पीठ की भी बात की, बैंक की, फलौदी, वाहन, सीआर कई बार परीक्षाओं में आता है। तो आज हमने दो महत्वपूर्ण लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया साथियों। अब आगे हम अन्य जो लोक देवता है उनमें तो एक तो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता है तेजाजी महाराज, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिए साथियों, और आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।